और दंगा हिंसा हो रहा भी रहा तो एक विशेष समुदाय कर रहा है, दूसरा समुदाय नहीं कर रहा है। बर्दाश्त करने की कैपेसिटी एक क्षमता होती है, सर सही है गलत है, बर्दाश्त करने की शक्ति और क्षमता होती है, हम बर्दाश्त एक क्षमता तक करते हैं उसके बाद में हम भी रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां जो है बंजारा समाज के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और मांगे यहां पर लिखी हुई है उत्तर प्रदेश की बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव जो जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार में लंबित है उसे शीघ्र कैबिनेट में पास करने हेतु। इस बात को लेकर यहाँ पर जो है लोग जो हैं, तमाम लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके प्रदर्शन के बारे में? हमारी मांग 1990 से पेंडिंग है, लगातार हम लोग भारत सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि हमें ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए। सबसे पहले मोतीलाल बोरा साहब ने हमारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, भारत सरकार के RGI ने अड़ंगा लगाया कि इस पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करा के इसको भेजा जाए। कल्याण सिंह साहब ने फिर दोबारा इसको भेजा लेकिन विदाउट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के रिपोर्ट के भेजा, जिसके कारण फिर RGI ने अड़ंगा लगाया और कहा कि इसका 1923 और 1941 के इतिहास में नहीं डिटेल नहीं मिलता है, इसका फिर से डिटेल एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करा के भारत सरकार रिपोर्ट भेजी जाए। मायावती के शासनकाल में इसका दोबारा फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ और अखिलेश यादव ने 2013 में कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके उत्तर पर भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार के RGI ने फिर अड़ंगा लगाया कि इसका 1931 से और 1941 में इतिहास नहीं मिलता है और उसमें कुछ क्वेरी की मांगी, उनके क्वेरी का जवाब फिर उत्तर प्रदेश शासन ने फिर दिया लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है। अभी वर्तमान में फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश शासन ने जो मांगा उसको फिर भारत सरकार को भेजा गया है और एक हमने उनको ये भी दिया कि भारत सरकार ने कुछ जातियों का जिनका 1931-1941 के इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है उनको उन्होंने किया है, जैसे हमने उनको बाकायदा जियो भी दिखाया है। ऐसा है, आपको जो बात की जाए प्रूफ के साथ की जाए, आपको प्रूफ चाहिए, ऐसा आप उनको भी देंगे तो आपको डिटेल चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। बैगा है, बैसवार है, बाल्मीकि है, बेलदार है, बोरिया है, धानुक गोड़ हरी हैला बोक्सा भोटिया राजी है, जौनसार गोड़, ये जो छह जातियां हैं इनका 1931 की जनगणना में उल्लेख नहीं है, उसके बावजूद भी इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। इसी तरह वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेसी जात को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया है लेकिन उनका भी उल्लेख 1931 की जनगणना में नहीं है। हमारा मानना है कि हम भारतवर्ष की मोस्ट बैकवर्ड और मोस्ट शेड्यूल्ड नोमैडिक ट्राइब्स हैं, हमारा ट्राइबल का स्टेटस मिलना चाहिए। माननीय अभी किस कैटेगरी में आते हैं? हम OBC कैटेगरी में आते हैं। मेरी परसों हमारे होम मिनिस्टर जी से बात हुई है। आप सबूत दिखा रहे थे, कुछ सबूतों की बात कर रहे थे। हमारा बंजारा समाज जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज है और ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 32 जिलों में निवास करता है। इनकी 5 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि हम चूंकि मोस्ट बैकवर्ड नोमैडिक ट्राइब्स हैं, देयरफॉर वी वांट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। नंबर 3 दो हमारा है, हमारे राजस्व, हमारे टाड़े जो हैं उसमें केवल एक जात आवास करती है, बंजारा जात है, तो हम चाहते हैं बंजारा उनको अभी तक रेबू विलेज का दर्जा नहीं दिया गया है, हम चाहते हैं हमारे गांव को रेबू विलेज का दर्जा दिया जाए। तीसरा ये है हमारे राजनीतिक भागीदारी। चौथा ये है हमारे भाषा जो हमारी गौर भाषा कहलाती है उसको सुरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। पांचवा ये है कि हमारे जो आठ पुरुष रहे रखी साहब बंजारा साहब उनके नाम पे हम लखनऊ में एक लखी साहब बंजारा बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए 1000 मीटर जमीन चाहते हैं। आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो क्या आप निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? क्या कहा आपने? राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए आपको, किसी पार्टी से लड़ना चाहते हैं कि निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ मांगे? पार्टी से विशेष बैठक मिले किसी पार्टी, हमारा बंजारा समाज मोस्टली भाजपा को सपोर्ट करता है तो भाजपा से ही उम्मीद कर रखते हैं, भाजपा से टिकट चाहते हैं, भाजपा से उम्मीद करते हैं। कितने जो है
बंजारा समाज के जो वोटर हैं वो कितने हैं? लगभग 30 लाख वोटर हमारा उत्तर प्रदेश 30 लाख वोटर है। 30 लाख कहाँ से टिकट आप कहाँ कौन से क्षेत्र से चाहते हैं? हमारा कानपुर है, मुजफ्फरनगर है, लखीमपुर खीरी है और लखीमपुर खीरी सहारनपुर। कैंडिडेट तैयार कर लिया है? हाँ कैंडिडेट से हमारे पास तैयार है। कौन है? लखीमपुर से हर्षवर्धन सिंह है, अलीगढ़ से ओम प्रकाश नायक साहब हैं, वो विनोद हमारे मिर्जा टीला मुजफ्फरनगर से ओम प्रकाश विनोद साहब हैं और वहाँ से हमारे संजय राठौर साहब हैं। जो आप टिकट मांग रहे हैं जिन क्षेत्रों से, उन क्षेत्रों में सिर्फ बंजारा समाज का ही विकास होगा कि बाकी लोगों का? सभी लोगों का विकास करेंगे तो कोई बात नहीं, केवल बंजारा समाज का विकास, हम तो सबको लेके साथ चलेंगे। ये कैसे, हम संभाव लेके चलेंगे, हम ऐसा नहीं केवल बंजारा समाज को लेकर चलेंगे, हम संभाव विकास सभी का विकास करेंगे। अगर टिकट आपको नहीं मिलती है, आप जैसे कह रहे हैं कि हमारी जो वफादारी है वो बीजेपी के साथ रही है तो हम उसी से टिकट जा, अगर टिकट नहीं मिलती है फिर आप क्या करेंगे? हम आशा करते हैं हमें टिकट मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं, ना नकारात्मकता पे हम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं हमें टिकट मिलेगा। नहीं मिले तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, हम निर्दलीय विरोध नहीं करेंगे। हम विरोध नहीं करेंगे, हम सब भाजपा का विरोध नहीं कर सकते। फिर तो ऐसे भाजपा टिकट देगी नहीं? नहीं टिकट देगी, टिकट देगी, पक्का टिकट देगी, आशा पे दुनिया जिंदा है टिकट मिलेगा। कब तक आप उम्मीद करते हैं कि टिकट मिल जाए आपको? अगले चुनाव में 2024 में एक सांसद का टिकट मिलेगा पक्का। नहीं मिला तो क्या होगा? पक्का मिलेगा, पूरा विश्वास, पक्का विश्वास है टिकट मिलेगा। और क्या कुछ जो है बंजारा समाज को जो क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती है? बंजारा समाज को मेनली हमारा समाज जो बिजनेस क्लास है वो जब फेरी करना चाहता है तो पुलिस वाले विशेषकर उनका एक्सटॉर्शन करते हैं, शोषण करते हैं। क्यों? वो धंधा करते हैं, उनको पैसा मांगते हैं, पुलिस वाला पैसा मांगता है, बिजनेस करने जाता है कहता है तो गलत सस्ता माल दे दिया, ये खराब माल दे दिया इसलिए पैसा मांगता है। तो पुलिस वालों को क्या मतलब लेना देना होता है? पुलिस वालों को लेना देना इसलिए होता है जब वो गाँव में जाते हैं और वहाँ कोई शिकायत कर देता है कि माल खराब है ये वो है तो उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनको परेशान करते हैं। तो क्या माल खराब देते हैं? क्या व्यापार में क्या होता है, कौन सा माल होता है? जैसे माल चूड़ी है, लाली है, लिपस्टिक है, खिलौने हैं, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक सामान, ये सब बेचते हैं लोग घूम घूम के गांव में। जो फेरी कपड़ा का भी धंधा करते हैं, कपड़ा है, जर्सी जैकेट है, सब कुछ बेचते हैं। तो फिर पुलिस तो ये गांव वाले जो है वो पुलिस में सुख से कंप्लेन करते हैं? कब कर देते हैं, कहीं कहीं कंप्लेंट आती है, सामान्य अधिकतर नहीं आती लेकिन आती है और जहाँ आती है वहाँ पे परेशान किया जाता है इनको। किस तरीके से परेशान किया जाता है? पैसे लेने के अलावा? पैसे लेके छोड़ देते हैं, पैसा लेके छोड़ देते। तो क्या केस मुकदमा भी होता है? नहीं, केस मुकदमा नहीं करते, पैसा लेके मुश्किल छोड़ देते, सिर्फ जुबानी कंप्लेन होती है। बस जुबानी कंप्लेन होती छोड़ देते हैं, बस इन हेरस बहुत करते हैं, हेरस करते हैं। किस तरीके से? मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, ये चीज गलत है। क्या एक समुदाय विशेष के कारण करते हैं या? नहीं ऐसा नहीं है, समुदाय विशेष के कारण नहीं कह सकते आप समुदाय में, क्योंकि हमारा समाज सामाजिक आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। हमारा उत्तर प्रदेश में कोई भी एक भी ISPCS नहीं है, कोई विधायक नहीं है। आपको हैरत होगी, आज 75 साल हो गए। तो हो सकता है जनसंख्या कम है इसके वजह से? मैडम जनसंख्या तो बहुत ही, आप जाते हैं यहाँ जिसका कोई जनसंख्या नहीं है। हमने जैसे गुसाई ले लीजिए, उनके मुश्किल से 2000 वोट नहीं हुआ, उनका कैंडिडेट बैठे हुए, कितने गुसाई हमारे ग्रुप में बैठे हुए हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एक। अच्छा आप बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार के लिए आपने बहुत वफादारी दिखाई है, बीजेपी सरकार ने आपके लिए कुछ किया है? बीजेपी सरकार से हमें अफर्मेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है विश्वास? वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने लिए तैयार हो रहे हैं। और कोई जो फायदा आपको? रेवन्यू विलेज के लिए बात चल रही है, रेवन्यू विलेज का फायदा देने जा रहे हैं आपके विकास पे। आप जैसे एक स्कूल और यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, इन सारी चीजों कोई अभी इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है? कोई अभी कार्य नहीं हुआ है। आपने मुद्दे उठाए? हाँ मैंने मुद्दे उठाए, कल अभी दो बातों पर बात चल रहा है, एक तो शुरू टाइप का स्टेटस और दूसरा रेवन्यू विलेज। कहाँ कहाँ पर आपने मुद्दे उठाए, क्या क्या कही? मैंने मोस्टली हमारे यहाँ जो हमारे वर्तमान होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर श्री एजी टेनी साहब हैं, उन्होंने हमारा मामला दो बार लोकसभा में उठाया है।
जिसे कन्नौज के विधायक सांसद ने भी हमारा मामला लोकसभा में उठाया है, एक महाराष्ट्र के विधायक ने सांसद ने भी हमारा मामला लोकसभा में उठाया है। लेकिन जो है विपक्ष वो लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार मोदी को साफ कर देंगे। नहीं, विपक्ष का दावा करने दीजिए, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने काम किया है, पावर में मोदी आएंगे। कहाँ काम किया, देश बेच दिया। ऐसा कैसे कह सकती है आप, देश बेच दिया? बोलने तो जा रहे हैं ना कि देश बेच दिया धीरे धीरे कर। आप मुझे बताइए वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ है, हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है, आप कंपेयर करिए हम कहाँ पे खड़े हैं। कैसे कह सकते हैं उन्होंने देश बेच दिया, कैसे कहने, किस ग्राउंड पे कहने, आप बताइए, आंकड़े दीजिए मुझे। रेल बेच दिया, रेल कैसे, हम काम करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन जरूरत इसलिए पड़े, हम काम नहीं करना चाहते, आज पब्लिक सेक्टर में वी डू नॉट वांट टू डू जॉब। महंगा हो गया जनता के लिए, महंगाई बढ़ गई कि नहीं मैडम? महंगाई ये बताइए, कंपेयर करिए आप, कैसे महंगाई बढ़ गई, तनख्वाह कितनी बढ़ी है, किसको नाम तनख्वाहें बढ़ी है, उसे कंपेयर करिए, कहाँ महंगाई बढ़ी है। किसानों के लिए जो आफत बढ़ रहा है, आप सब्सिडी कितनी गवर्नमेंट दे रही है, आप उसे भी कंपेयर करिए, आप गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी दे रही है, पर किसान आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? कहाँ से किसान, हमारे यूपी में तो ऐसी मुझे नहीं घटना दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र की खबरें देख, महाराष्ट्र की हो सकता है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार हो सकती है, हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यूपी में ऐसी कोई, वहाँ भी तो बीजेपी सरकार है ना मैडम, है काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नेचुरल प्लास्टिक आते हैं वहाँ पे, नेचुरल कुछ आया क्लमिटीज है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। जब से आए हैं दंगे हिंसा सबसे ज्यादा होने लगे, आप पहले से कंपेयर करिए, पहले दंगे हिंसा कितने होते थे, आज कहाँ पे हम खड़े हैं, आज कहाँ दंगे हिंसा हो रहे हैं, और दंगा हिंसा हो रहा भी रहा तो एक विशेष समुदाय कर रहा है, दूसरा समुदाय नहीं कर रहा है, दूसरा समुदाय नहीं कर रहा, नहीं नहीं आप ना बताइए गिनाइए हमें, हम आपसे जानना चाहते हैं। ये लोग भी तो जो है दोनों एक के करने से थोड़ी होता है, बोलते हैं कि हम बर्दाश्त करने की कैपेसिटी एक क्षमता होती है, सर सही है गलत है, बर्दाश्त करने की शक्ति क्षमता होती है, हम बर्दाश्त एक क्षमता तक करते हैं, उसके बाद में हम भी बोल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको उकसाया जाता है ऐसा, नहीं मैडम गलत कहा जा रहा है, यदि आप भी कहीं पर फिल्म होंगे तो आपको भी एहसास होगा कि असलियत क्या है, जहाँ पे इनकी आबादी वहाँ पे हम महसूस करते हैं क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं आप खुल के बताइए, क्या करते हैं, किसको? मैडम मैं खुल के नहीं बोल सकता, मैं कहीं बधा हुआ भी हूँ, मैं कहीं बधा हुआ भी हूँ, आज मैं यहाँ पे जनता के बीच में आया, मैं कहीं बधा हुआ भी हूँ, मैं खुल के नहीं बोल सकता। पब्लिक सर्वेंट देयरफॉर आई कैन नॉट ओपन द डोर। कहा जा रहा है मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे, किसने कह दिया बेड़ा गर्क कर दिया, वो ग्राउंड बताइए मुझे आप। आपस में जो है उन्माद फैला दिया, अब जो है सुनिए पब्लिक कहती है कि पहले जो था हम हिंदू मुसलमान भाई भाई करके रहते थे, अब नहीं बैठता कोई साथ। आप यहाँ पे आज अभी कल मैं देख रहा था ये कहाँ का जय माता की, भारत माता की जय बोलने पे वहाँ के सांसद नाराज हो गया, दनिश ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए मुझे ये कहाँ का न्याय है, भारत माता की जय बोलने पे सांसद नाराज हो रहा है, ये कहाँ का न्याय है मुझे बताइए आप। हमें सरकार से अनुरोध करते हुए कहते हैं, तो ये जो जिस तरीके से बजरंग दल वाले या फिर जो भी तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी तो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, थोड़ी बहुत जाती हो सकती है, लेकिन सामान्यतः हम लोग एक डिसिप्लिन, हमारा फोर्स है डिसिप्लिन में काम करता है। मणिपुर को लेकर क्या कहेंगे? मणिपुर के मामला मैडम देखिए, आप वहाँ का इतिहास पढ़िए थोड़ा सा, 90% का 90% एक विशेष जात है और 10% को किसने रिजर्वेशन दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, हाई कोर्ट के आर्डर से वहाँ पे रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन उनको जब स्टेट उनको एक दे दिया गया रिजर्वेशन, उसी पे आप हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं इसको, ना मानते हैं, संभव मानते हैं उसको, तो क्या इस बात के लिए उन्माद फैलाएंगे, लोगों को काट देंगे, जला उन्माद नहीं, नहीं हमारे 90% वाला उम्मीद फैला, 10% वाला तो इसे बैठा हुआ, वो तो घर में घुसा बैठा बेचारा। महिलाओं को नंगा करके घुमाया किसने, महिलाओं को नंगा करके परेड किसने करवाया, किसने कराया, उन्होंने 90% वालों ना कि 10% वालों ने, वहाँ पे आपने भी देखा है हमारी आर्मी क्या पोजीशन है, एक लड़की जो है वो कितना बड़ा हंगामा करती है, उसका भी आप देखिए थोड़ा सा, क्या बताइए ना खुलकर, नाम उसका मुझे नहीं याद नहीं है, वो सदैव आदमी के खिलाफ बोलती है, आगू बोलती है, अभी हमारा वहाँ पे मुनमेसल लूटा गया, तो कौन 90% करे, 10% वाले तो नहीं करे मैडम, 10% मोनू मानेश्वर के बारे में कुछ बोल रहे हैं, किसके मैडम, मोनू मानेश्वर के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी, मैं इसलिए कुछ उसके बारे में नहीं बोल सकता।
मुझे जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर जो है आप 2024 में बीजेपी सरकार चाहते हैं? पक्का हम बीजेपी सरकार चाहते हैं। जितनी सारी पार्टियां एक साथ गठबंधन में आई हैं, कोई आप भी यही, हम भी यही, लगता है कि उनका मुकाबला बीजेपी कर पाएगी? बिल्कुल कर लेगी, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो। उज्ज्वला योजना बता रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम देख रहे हैं कितना ऊपर चला गया। मैडम ठीक है, मैंने कहा आप कोने में पड़ा है सिलेंडर। आप महंगाई का कंपेयर करिए, पैसे कंपेयर करिए, कहाँ पे आप हम खड़े हैं? हम महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, हम सैलरी उनकी बढ़ती है ना जिनका रोजगार होता है, रोजगार तो है ही नहीं देश में। मैडम हम रोजगार करना नहीं चाहते, नाई नाई गिरी नहीं करना चाहता, लोहार लोहार गिरी नहीं करना चाहता, पढ़ाई पढ़ाई गिरी नहीं करना चाहता, हम धंधे अपना करना ही नहीं चाहते, सब्जी वाला सब्जी बेचना नहीं चाहते। आज एक विशेष वर्ग का सारे पे कब्जा होता जा रहा है मैडम। वो जो सबका अधिकार है ना अपने मर्जी से जॉब चुनने का, रोजगार करने का, क्या मैडम सबकी अपनी मर्जी है, जो चाहेगा वो करेगा। बात बताइए, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती? क्यों नहीं दी जा सकती मैडम? कैसे सरकारी आदमी सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती? आपको रोजगार तो अपना करना ही पड़ेगा। वो शासकों काल बताइए, सब सारी पब्लिक नौकरी सरकारी नौकरी करती हो, मुझे बताइए वो काल बताइए आप, वो काल मुझे बताइए, सारी पब्लिक सरकारी नौकरी करती हो, वो काल मुझे बता दीजिए, वो शासनकाल बताइए सर, सारी पब्लिक सरकारी नौकरी करती हो, सब काल में लोग तो बेरोजगारी रेट है वो तो बढ़ गया है ना मैडम, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अभी बेरोजगार हैं, और जो रोजगार में थे उनका रोजगार खत्म हो गया। आप बिल्कुल सही कहे, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जनसर प्रोग्राम चल रहा है, जैसे NGO पे हमारे अब काम काफी किया जा रहा है। मेन बात है हमारा इंटेंशन जब तक साउंड नहीं होगा तक हम नहीं होंगे, हम फाइनेंस ले लेते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, मिसयूज करते हैं फंड का, तो इसके लिए आपको तो आपको अपने राइट की बात करती, ड्यूटी की बात भी सोचिए, थोड़ा ड्यूटी भी करनी पड़ेगी हमको ना। प्रधानमंत्री देश के मुद्दों पर बात नहीं करते लेकिन विदेश में जाकर खूब शाबाश। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं हमारा प्रधानमंत्री देश के मुद्दों पर बात नहीं करता? मणिपुर कितने दिनों से जल रहा है लेकिन आके स्टेशन पे पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है। देखिए एक प्रैक्टिकल होता है, नेताजी कुछ एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के तहत ही बात किया जाए, प्रधानमंत्री प्रैक्टिकल में रह के बात करेंगे हम, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हर ले में नहीं हो कि हर तरह सड़क पे खड़े होकर बात करने लगे। हाँ समय आएगा तो बात को अपना मुद्दा उठाएंगे, वो अमित शाह साहब बोल रहे हैं उसमें अपना सफाई देना है, जो कुछ करना है। ठीक है, तो ये जो है इनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी सरकार ने, हमारा मुद्दा है, हमारे मुद्दे पे आप बात करें जिसके लिए हम बात करना चाहते हैं। देखिए आज टिकट नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? टिकट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, भाषा पे दुनिया जिंदा, टिकट मिलेगा पक्का। सुनते नहीं है इतनी जल्दी प्रधानमंत्री? मैडम सुनेंगे पक्का, सुनेंगे। कितने लोगों ने ट्रेंड कराया, तमाम लोगों ने बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाई, कितनी सारी मुद्दे हैं, मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है लेकिन वो नहीं सुनते हैं, कैसे सुन लेंगे आपकी? सही बात सुनना पड़ती, समय भले लगे इसलिए सुना पड़ता। कहा जाता है कि उनका मन जो करता है वही करते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ टेक्स्ट होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार ने काम किए हैं, लोगों को देखने की जरूरत है, और इनका जो मुद्दा है वो है बंजारा समाज को जो है वो लाखों में जो है वोटर हैं, और इन्होंने अपने कैंडिडेट तैयार कर लिए, अब इन्हें बीजेपी से जो है वो टिकट चाहिए और राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन तो के साथ ब्यूटी।